बिहार में क्या हो रहा है। देखिए दरअसल जीतन राम मांझी के जाने के बाद बिहार में सबसे बड़ी जो चुनौती है नीतीश कुमार के लिए वो है महागठबंधन के कुनबे को बढ़ाना। अब दो लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया, अब देखा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय कराया, फिर उपेंद्र कुशवाहा बाहर गए। निश्चित तौर पर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में 23 तारीख की एक बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक को लेकर सारे विपक्ष के बड़े दलों को बुलाया गया है। अब उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और एकमात्र विधायक हैं अख्तरुल इमाम, इन्होंने महागठबंधन की बैठक पर जबरदस्त हमला किया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। शायद इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी के विकल्प के तौर पर बिहार में दो दो बड़े चेहरों को जदयू ने अपने पाले में कर लिया है और नीतीश कुमार इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मुसार समाज को, पिछड़े समाज को लगातार वो प्रतिनिधित्व देते रहे हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी के पुत्र जो संतोष मांझी हैं, उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा दिलाया गया, जीतन मांझी के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब रत्नेश सदा जो कि मांझी जी के समाज से आते हैं उन्हें मंत्री बना दिया गया है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। दरअसल नीतीश कुमार ने ओवर कंपनसेट किया है। मांझी और उनके पुत्र के जाने को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ उसे कंपनसेट करने के लिए दशरथ मांझी के पुत्र और दामाद दोनों को उन्होंने ज्वाइन किया। जहां भगीरथ मांझी को उन्होंने दशरथ मांझी के पुत्र के तौर पर जदयू में लाया, वहीं उनके दामाद को भी उन्होंने लाया। लेकिन इस मामले पर अब तक जीतन राम मांझी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं अगर बात करें तो जो दशरथ मांझी के पुत्र हैं वो जब आए जदयू में तो उन्होंने सबसे पहला हमला जीतन राम मांझी पर ही किया। उन्होंने कहा कि जो इस समाज से आते हैं उन्हें प्रतिनिधित्व मिलता है दलित समाज को प्रतिनिधि देने का, तो अक्सर दलित समाज को ही भूल जाते हैं, परिवारवाद में फंस जाते हैं। निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी पर यह बड़ा हमला है, खासतौर पर तब जब जीतन राम मांझी लगातार दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की मांग लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर वो अमित शाह से मुलाकात भी किए थे और लगातार उन्हें पत्र भी लिखा है। अब बिहार में क्या हो रहा है, देखिए दरअसल जीतन राम मांझी के जाने के बाद बिहार में सबसे बड़ी जो चुनौती है नीतीश कुमार के लिए वो है महागठबंधन के कुनबे को बढ़ाना। अब दो लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया, एक मंत्री भी बढ़ा लिया मांझी जी के समाज का, लेकिन महागठबंधन के दलों की संख्या जो 7 से घटकर 6 हुई वो 6 पर ही रह गई। तो इसे कंपनसेट करने के लिए नए दलों को जोड़ने की तैयारी भी शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आज बयान दिया कि जीतन राम मांझी के सामने उन्होंने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था, बल्कि सीधे विलय की बात उन्होंने कर दी थी, इससे जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं ऐतराज कर गए और उसके बाद उन्हें बाहर होना पड़ा। निश्चित तौर पर यहाँ नीतीश कुमार बेहतर रंग में नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि जिस तरीके के समावेश की बात महागठबंधन में होती थी, छोटे दलों को लेकर जिस तरह की लड़ाई लड़ने की शुरुआत जदयू ने की थी और जिस तरह के जेपी नड्डा के बयान पर हमलावर थे ललन सिंह, अब कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में भी जदयू उसी रौद्र रूप में आ गई है, सभी पार्टियों का अस्तित्व को समाप्त करने को लेकर। पहले अब देखा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय कराया, फिर उपेंद्र कुशवाहा बाहर गए। निश्चित तौर पर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में 23 तारीख की एक बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक को लेकर सारे विपक्ष के बड़े दलों को बुलाया गया है, मोदी विरोध और भाजपा विरोधी चेहरों को यहाँ बुलाया गया है। कोई परहेज या कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, सबको बुलाने की कोशिश की गई है। लेकिन खबर आ रही है कि कुछ दलों को न्योता नहीं मिला है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा मायावती का है। मायावती को बिहार की इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया है। वहीं खबर आ रही है कि ओवैसी ने भी इस मीटिंग से अपने आप को दूर रखने की बात कही है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ओवैसी ने बिहार में जो 5 विधायक जिताए थे उनमें से ज़्यादातर विधायकों को तोड़कर राजद लेकर चली गई। अब उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और एकमात्र विधायक हैं अख्तरुल इमाम, इन्होंने महागठबंधन की बैठक पर जबरदस्त हमला किया है। कुछ दिनों पहले तक महागठबंधन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए एकाएक यू टर्न ले लिया है ओवैसी ने। ओवैसी ने जहाँ एक तरफ मांझी जी इस कार्यक्रम से दूर रहेंगे, वहीं ओवैसी ने भी इस कार्यक्रम से दूर रहने की जो है मन बना ली है और उन्होंने हमला किया है कि ये कछुए का रेस है, कछुए की तरह चल रहे हैं लोग और ये महागठबंधन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर महागठबंधन जिस वक्त एक बड़ा तैयारी कर रहा है, देशव्यापी एक बड़े गठजोड़ की तैयारी कर रहा है, 2 दिनों तक लगातार ये बैठक चलेगी और इस बैठक में
भाजपा को रोकने की तैयारियां की जाएंगी। वहीं एक बड़ा झटका ये लगता है कि विपक्ष का एक और बड़ा चेहरा असदुद्दीन ओवैसी, जिनका प्रभाव बिहार में बहुत ज़्यादा है, उन्होंने भी अपने आप को महागठबंधन से दूर कर लिया, इस बैठक से दूर कर लिया है, और दूर ही नहीं किया है बल्कि हमला कर दिया है कि ये महत्वाकांक्षियों का जमावड़ा है, इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।